नमस्कार दोस्तों, मैं रेड्डी शुभम आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है क्या कहेंगे लोग, और इसका मतलब भी आप लोग खुद समझ सकते हो। मैं आज अपने लाइफ से जो रियल स्टोरी है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, और इसमें मैंने क्यों ये वीडियो बनाया कि क्या कहेंगे लोग। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी के साथ भी मैं ये डिस्कस करूँ। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मेरी ही कहानी है। मैंने एक लव मैरिज किया, ठीक है, और मेरे मैरिज को आज लगभग 3 साल हो चुके हैं। हाँ, लेकिन हमारे मैरिज में क्या प्रॉब्लम आई थी वो सब तो मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन मैं आज जो टॉपिक है क्या कहेंगे लोग उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या कहेंगे लोग, जब हमारा मैरिज हुआ था, मैरिज के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें करते थे। सबसे पहला कि मैंने लव मैरिज किया, रीज़न यही था कि अगर आप किसी को कमिटेड करते हो, और हाँ, अपने माँ बाप को उतने हर्ट ना करना। मैंने भी कोशिश किया था कि उनको सब कुछ एडजस्टेबल हो के हमारा लव मैरिज भी अरेंज मैरिज में चेंज हो सके, लेकिन मेरा कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने मैरिज इसलिए किया क्योंकि मैं भी एक कमिटमेंट मतलब कमिटेड आदमी हूँ। मैंने भी कमिटेड किया था कि नहीं, मैं मैरिज करूँगा, और मेरे मैरिज से मैं करीबन 4 साल पहले से उनसे कांटेक्ट में था, अपने वाइफ से, मतलब तो फ़ोन पे बातें होती थी। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग कभी मिलते भी थे पार्क में ना, तो करीबन 6 महीने साल भर के बाद, वो भी कुछ आधे घंटे के लिए, फिर अपने घर अपने काम पे लगे जाना। रही बात है, वो सब छोड़िए, क्या कहेंगे लोग उसके बारे में बताता हूँ। मैरिज के बाद क्या हुआ कि मैं अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, सीएससी सेंटर जिसे बोलते हैं या ग्राहक सेवा केंद्र। स्टार्टअप में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसा आप सभी जानते, कोई भी स्टार्टअप किए होंगे तो उनको पता होगा क्या स्ट्रगल होती है। काफ़ी समय तक उन्हें वेट करना पड़ता है, मतलब कि पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन उस बीच में मेरे फील्ड में मेरा नाम भी काफ़ी ज़्यादा था, हमारे एरिया में लोग भी हमें मुझे जानते थे काफ़ी अच्छे से। हाँ, लेकिन सबसे पहला प्रॉब्लम है, मैरिज करके जैसे ही मैं लौटा अपने एरिया में, मैं थोड़ा गार्जियन से अलग रहने लगा था क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उस बीच में क्या हुआ कि लोग जो होते हैं हमारे समाज में, जो लोग रहते हैं आसपास या दूर दराज के लोग, सबसे बड़ी बात है, मुझे इस बात की ऐसी लगी जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ ना, वो भी मेरे बारे में इतने अच्छे डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, जैसे लग रहा हो कि वो मतलब बचपन से मुझे जान रहे हो, मुझे अपने गोद में खिलाओ। ये मेरे माँ बाप को इतना नहीं मालूम जितना वो एडवाइस देते हैं। किसी का कहना था कि भाई आप शुभम जो मैरिज किए हैं तो उनके वाइफ कोई प्रेग्नेंट होगी, इस कारण से वो मैरिज किए हैं, उनका प्रेशर था। फिर किसी का और कहने का था कि अपने को बीच में किसी और आदमी ने कहा कि शुभम ने अपने फादर का कुछ पैसा लेके भाग गया है, 5 लाख 10 लाख कुछ इस तरह से अमाउंट था। तो खैर लोग कहेंगे, हालांकि जब तक मैं अपने गार्जियन के मुँह से ऐसा बात ना सुनूं तब तक मैं कैसे किसी पे यकीन करूं, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात भी किसी से नहीं की थी। वो हम पे मेरे पे मेरे फादर मेरे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैंने मैरिज भी की तो मम्मा को थोड़ा तकलीफ हुआ था, लेकिन मेरे फादर को बहुत ही मतलब वो खुश थे, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं थी। वो चाहते थे कि चलो बेटा जो किया सही किया, मैंने सब कुछ बोल के किया, मैंने पीछे कुछ नहीं किया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं, कुछ कुछ आपको शब्द ऐसा कह देंगे ना आपके बारे में, जैसे आपके भी मदर फादर से, जैसे मैं अलग हुआ तो मेरे बारे मुझे कुछ कुछ बात ऐसे मदर फादर के बारे में बताते हैं कि जैसे लग रहा हो कि मदर फादर हमारे मतलब एंटी हो गए, मतलब दुश्मन हो गए, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को भी काफ़ी लेवल तक ले जाते हैं जिस बारे में मैं सोचता भी ना हूँ। लेकिन मुझे तो पता है मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरे कितना मतलब कि मैं काफ़ी ट्रस्टेबल हूँ उनके लिए भी, और मैं भी उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और बचपन से ही ट्रस्ट करता आ रहा हूँ। मैं खाली यही बोलूँगा, सर देखिए, आपके लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि जैसे आपको लोग बोले कि नहीं, या आपको कोई प्रॉब्लम आ गया कि आपका फैमिली से कुछ प्रॉब्लम है, आपको अलग रहना पड़े या कोई कुछ हो, अगर समाज वाले कुछ आपको अगर कुछ गलत बताते हैं आपके फैमिली के बारे में कि आपको ऐसा बोला गया वैसा बोला गया, आपके बारे में ये सोच रहे हैं, वो आपके बारे में वो करने जा रहे हैं, आपको ये गिरा रहे हैं, तो भैया आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, कभी किसी के बात पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो 80% झूठ बोलते हैं और अपने बातों में दम लगाने के लिए उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ताकि आप उनके बातों में ट्रस्ट करो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने फैमिली
मम्मा पापा भाई भाई बहन जो भी हो, कभी किसी बाहर वाले के बात पे आके कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ना ही कोई बड़ा एक्शन लेना जब तक उस बारे में आप डीपली ना जानो। क्योंकि देखिए फैमिली वो आपकी है, आप बचपन से उनके साथ रहे हो, आपसे बढ़िया वो आपका पड़ोसी और आपके समाज वाले आपसे अच्छा नहीं जान सकते उनके बारे में, और आप बेहतर जानते हो कि आपका कोई कितना क्या नुकसान कर सकता है और क्या नुकसान करना चाहता है, और आपके माइंड को हर कोई डाइवर्ट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है उस वक्त जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो या फैमिली से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमेशा ये चीज़ होता है। मैंने बहुत बार देखा है किसी भाई भाई के घर में भी झगड़े होते हैं, जैसे नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है ना कि भाई भाई के झगड़े में वो क्या कहते हैं कि भाई तो झगड़ा होकर अलग अलग हो गए, लेकिन समाज वाले क्या हैं किसी उसका फ्रेंड सर्किल वो उंगली करने स्टार्ट कर देता है, कभी उसके बारे में कानाफूसी, कभी उसके बारे में कानाफूसी, मतलब कि आप तुरंत खुद में भी कभी देखे होगा ना, तुरंत एक दूसरा का कंप्लेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब कंप्लेन भी ऐसा कि लगता है कि भैया लोग कोई बचपन के दुश्मन हो, देखिए दोनों भाइयों को पता होता है कि भैया उन पर ट्रस्ट बहल है, भले किसी कारण से झगड़ा हो गया हो, लेकिन कभी कोई बाहर वाला बोलता है ना तो वो भाई भी हमेशा एक साथ मिलकर जब लड़ने पर आ जाए ना, अच्छे अच्छे की औकात नज़र आ जाएगी। इसीलिए कहता हूँ भाई, हमेशा फैमिली सबसे बड़ी पावर होती है। आपस में कितने भी झगड़ा हो जाए, लेकिन कभी भी कोई अगर बाहर वाला तकलीफ दे या कोई शिकायत करे तो आप कभी उस पर आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, ना ही उसकी बातों पे कभी कोई एक्शन लेना। सबसे बड़ी है जो आपको दिखता हो, जो आप खुद जानते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप सिर्फ वही काम करना, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत देख लिए, क्योंकि इन 3 सालों में मुझे बहुत कुछ नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक आखिरी बात बताऊँगा कि मैं अभी थोड़ा, हमारा जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, इससे क्या है कि हमारे मम्मी पापा जो भी हैं उन पे एक ट्रस्ट बना पाया हूँ, उनको लगता है कि नहीं उनके जो बेटे हैं वो थोड़ा अभी अपने पैर पे खड़े हुए हैं और अच्छा से आगे ग्रो कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके नज़र में काफ़ी अच्छा बनूँ, कोशिश आशा करता हूँ कि फ्यूचर में कुछ ऐसा करूँ ताकि उनको और भी मुझ पर गर्व हो कि नहीं मैंने ऐसा बेटा पैदा किया। और मैं दोस्तों चाहूँगा कि आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे अपने आपके गार्जियन, माँ पापा गार्जियन, मतलब जो भी आपके गार्जियन हैं उनको आप पे बहुत ज़्यादा गर्व हो, पूरे समाज भी जो आपके पीछे जो बोलता है ना वो भी आप पे ट्रस्ट करे और आपका वैल्यू दे, हर जगह आपको रेस्पेक्ट मिले। मैं भी आज जाता हूँ ना तो आज भी मुझे हर लोग सर करके ही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग शुभम जी, गुड मॉर्निंग शुभम भैया, इस तरह से मुझे रिस्पांस मिलता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भैया मैंने आज जो काम भी कर रहा हूँ उस काम की वजह से मुझे इतना रिस्पेक्ट मिलता है। और आप भी काम के साथ साथ अगर आप लोगों को इज्जत देने स्टार्ट करोगे ना तो लोग आपके भी इज्जत करेंगे। रोड चलते अगर आपको ओल्ड एज आदमी मिल जाए तो आप हम सर नमस्ते चाचा प्रणाम चाचा रिस्पेक्ट दो, और देखिए वो भी आपको, आप भले फर्स्ट टाइम दो सेकंड टाइम आपको रिस्पॉन्स ना मिले लेकिन अगर आप रेगुलर करोगे ना तो आप भी देखोगे आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। मैंने भी ये ट्राई किया था, कुछ दिन मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं मिला लेकिन आज के डेट में मुझे हर जगह रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है, चाहे वो ओल्ड एज आदमी हो या कोई लेडीज़ हो, कोई भी रहे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बच्चों से बड़ों से बुजुर्ग से सभी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं अपने काम से भी और अपने समाज एरिया से भी काफ़ी खुश हूँ। हाँ, जो भी मेरे साथ हुआ था, मैं नहीं चाहता हूँ आप किसी के साथ हो, हमेशा आप बढ़िया से रहो और अच्छे से रहो और अपनी फैमिली का हमेशा रेस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, मैं यही आपसे दुआ करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।